जाको राके साइया मार सके ना कोई। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बालासोर रेल हादसे में जो कुछ हुआ, जो मंजर सामने आया, पूरी दुनिया ने देखा, सभी का दिल दहल गया। हजारों लोग घायल हुए और लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में ये जो कुछ खुशकिस्मत लोग थे जो इस इतने बड़े हादसे के बीच बच गए, जी हाँ बच गए। और सबसे बड़ी बात कि बिहार का एक परिवार जिसके 11 सदस्य ट्रेन में सवार थे, जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन परिवार के सभी 11 सदस्य सकुशल बच गए। जी हाँ, नवादा का यह एक खुशकिस्मत परिवार है जो बालासोर रेल हादसे में, भयानक रेल हादसे में, अगर यूं कहें कि भारत के चंद बड़े जो रेल हादसे हुए हैं उसमें ये शुमार है, बालासोर रेल हादसा, उसमें ये परिवार के 11 सदस्य बच गए, बाल बाल बच गए। तो नवादा से ये आपको खबर दिखाते हैं। नवादा की जो तस्वीर सामने आई है कि परिवार के सभी जो 11 सदस्य वापस घर लौट आए हैं। दरअसल ये पूरा परिवार जो है, सभी सदस्य जो है, कोरोमंडल एक्सप्रेस पर सवार थे और चेन्नई जा रहे थे। चेन्नई में रोजी रोजगार के लिए जा रहे थे ये सभी, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हुआ। क्या कुछ हुआ उस घटना के दौरान, जो उसका चश्मदीद है उस मौके का, वो पूरी कहानी बता रहा है। पहले आप वो सुन लीजिए। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ? 3 बजे गाड़ी बैठे हैं, ठीक है, 3 बजे चले उड़ीसा, ठीक 6:55 में उड़ीसा गाड़ी हिल गया था। उड़ीसा गाड़ी हिलने के बाद में क्या हुआ, अचानक इधर उधर होने लगा। इसके बाद अचानक क्या हुआ कि बुगी आपस में टकर गया। आपस में टकरने के बाद में बुगी का लाइट कट गया था। बुगी के लाइट कटने के बाद में कितना मर गया इसका तो गिनती नहीं है। जो हम खुद कैसे, हमारा जो आँख खुला, जो मैं साथ में परिवार बैठे थे, 6 परिवार गए, हम जा रहे थे, 6 वो हम उठे, इसके बाद सबको उठा। कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? चने जा रहे थे, टाइल्स बनाते हैं। कहाँ ऐसे घर कहाँ है आपका? मेरा घर मरपुर त्रिया। कौन थाना में पड़ता है? सब परिवार सुरक्षित हैं आप लोग? हाँ, नवादा जिला। सब परिवार सुरक्षित है? घायल हो गए थे? नहीं, थोड़ा बहुत घायल है, चोट है। वहाँ इलाज हुआ? सरकार पुलिस प्रशासन मदद किया आपकी? मदद किया है। हाँ, मदद किया है। और उसके बाद वहाँ से आए कोलकाता आए हैं, वहाँ से चेक इन वकिन सब करते आया है, वहाँ भी सब चीज़ बताते आए हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे काम हुआ। कितना लोग मर गया सर? बहुत ज़्यादा मर गया, 6,000 से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। जो बचने वाला, जो भी बचने वाला तो थोड़ा बहुत होश था, वो और बच जाता अगर उसको हेल्प मिल जाता तो। रात भर तड़पता रहा, एकदम तड़प के, एक बेचारा को पूरा हाथ दबा है, इतना समझ गए, वो चिल्ला रहा है, हाथ निकालो। ट्रेन से दबा था, लेकिन दबा है वो अंदर, लोहे के अंदर दबा था, तो उसको कैसे खींचेंगे? खींचने के तो पावर नहीं, हम लोग कोशिश किए खींचने के, लेकिन खिंचाया नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पेशेंट का देखते हैं, ना उसको देखते हैं, प्रशासन रहता तो किसी तरह व्यवस्था से खींच के निकालता उसको। कब मदद आर लोग पहुंचे थे आपके पास? हम लोग के पास कोई मदद नहीं पहुंचे सर। नहीं, बोले ना सुबह होके आया लोग। सुबह होके आया नहीं, हम ही लोग गए थे उसके पास। हम लोग कोई आया नहीं था, खोजने नहीं किया, हम ही लोग खुद आए हैं, फिर सब लोग आए। हाँ, हम ही लोग आए हैं, तब उन लोग जान रहा है कि इतना हमको, ये इतना एरिया में है, मेरा आदमी बचा हुआ है। फिर दवा हुआ दिया है, फिर सब परिवार मिल गए आप लोग? पूरा परिवार मिल गया, सब मिल गया, सब बचा है, लेकिन घायल है, चोट घाट है। मदद कुछ नहीं, मदद कुछ नहीं मिला। रात भर शीत में पड़ा रहे हैं, अगर मदद मिलता, अगर रात में अगर डॉक्टर नहीं हुआ था बीच में, तो अगर जो इसका होश था, अगर घींच के निकाले तो ये भी मर जाता कि नहीं? अगर नहीं होश करते हैं इसको, नहीं अच्छा रिश्ता रखते हैं, तो ये भी मर जाता है। रात में तो आना चाहिए, प्रशासन को खोजना चाहिए मेरा आदमी कहाँ पे है, नहीं है। कई बजे प्रशासन का टीम पहुंची थी वहाँ? कितने बजे? लगभग हमको लगता है कि 9:30 लगभग, 9:30 रात में, सुबह में पहुंची जाता, और यहाँ 7 बजे काइंड हुआ, 9:30 पहुंच गई। हाँ, सुन लिया आपने कि किस तरह से जो चश्मदीद है वो बता रहा है क्या हालात थे, कैसा मंजर था वहाँ का। लेकिन इस मंजर में, इस हालात के बीच भी जो नवादा के एक परिवार के 11 सदस्य ट्रेन हादसे में बाल बाल बच गए, और ये सभी जो परिवार था रोजगार के लिए चेन्नई जा रहा था। पीड़ित परिवार जिले के
यानी नवादा जिले के कवाकोल प्रखंड के तुरियाडी गांव के सभी निवासी जो बताए जा रहे हैं, ये जो सभी एक परिवार के हैं और सभी उड़ीसा से बेहतर इलाज के लिए उड़ीसा से इलाज के बाद ये नवादा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां सिविल सर्जन राम कुमार प्रसाद ने घायलों का हालचाल भी जाना और इसी दौरान इन्होंने अपने जो हालात बयां किए कि क्या कुछ हुआ था वहाँ, कैसा मंजर था, ये सभी ने बताया। तो ये सभी कोरोमंडल एक्सप्रेस पर सवार होकर चेन्नई जा रहे थे, उसी दौरान ये भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई। तो इसमें जो है घायलों में कवाकोल प्रखंड के तुरियाडी गांव के निवासी हैं नंदू दास, उनकी पत्नी करिश्मा देवी, बालमुकुंद तुरिया, विनोद तुरिया, राजेश तुरिया, पत्नी उनकी है संजू देवी, मधु कुमारी, शिवर्ती कुमारी और दीपक कुमार, ये सभी एक ही परिवार के जो सदस्य बताए जा रहे हैं, इस भीषण रेल दुर्घटना में बाल बाल बच गए। यानी चाकू राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो गई। हालांकि आपको बताएं कि नवादा जिले के दो युवकों की इस ट्रेन हादसे में मौत भी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो उग्रवाद प्रभावित कवाकोल थाना क्षेत्र के कपसिया गांव के मिथिलेश राय उर्फ मिट्ठू और रो प्रखंड के मडरा गांव के बद्री मांझी के पुत्र जो पप्पू मांझी हैं, इन दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। लेकिन ये पूरा परिवार, 11 लोगों का जो परिवार है, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं ये सभी, ये बाल बाल बच गए और अब सकुशल घर पहुँच गए। भले ही नौकरी नहीं मिली लेकिन जान बची तो लाखों पाए और अब ये घर को वापस आए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। आप फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।